देवभूमि का रास्ता हल्द्वानी से होकर गुजरता है। हल्द्वानी एक शांत शहर है और उत्तराखंड का बड़ा महानगर भी। बीते दिन पहले कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया और शहर के शांत माहौल को खराब कर दिया। हल्द्वानी अब कट्टरपंथियों के निशाने पर है। भनपूलपुरा हिंसा के बाद से ये तस्वीर भी अब साफ हो गई है कि कुछ संस्थाएं हल्द्वानी शहर की शांत फिजा में जहर घोलने का काम कर रही हैं। हल्द्वानी भनपूलपुरा हिंसा के पीछे राजनीतिक व्यापारिक कारण तो है ही, साथ ही साथ यहाँ कट्टरपंथी जिहादियों के मंसूबे भी सामने आने लगे हैं। हिंसा के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान से संचालित ट्विटर गैंग ने खेल खेला और उनके समर्थन में देश भर के कट्टरपंथी मुसलमानों ने जहर उगला, उससे ये बात भी साबित हो गई है कि हिंसा भड़काने की ये सोची समझी साजिश थी, जिसका खुलासा नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने भी किया। दरअसल उत्तराखंड पुलिस ने एक भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसे कट्टरपंथियों ने हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप देने की असफल कोशिश की। हिंदू पत्रकारों, महिला पुलिस कर्मियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। भनपूलपुरा थाने को आग लगाकर फूंक दिया गया और हल्द्वानी में बसे हिंदुओं में खौफ फैलाने की कोशिश की गई, मगर उत्तराखंड पुलिस ने इस पूरी साजिश पर पानी फेर दिया। और अब जब पुलिस ने एक्शन लिया और हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित 36 आरोपियों पर UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई की और 16 अन्य संगीन धाराएं भी लगाई गईं। और अब ये भी जान लीजिए कि जिस तरह कट्टरपंथी संस्थाएं हल्द्वानी को एक खास तबके का गढ़ बनाने में लगी हैं। दरअसल हल्द्वानी कारोबारी शहर है, यहाँ सरकारी जमीनों पर मुस्लिम समुदाय बीते कुछ समय से अवैध कब्जा कर रहा है। गोलापार बगजाला की 104 हेक्टेयर बन भूमि की पट्टा लीज खत्म हो गई। वहाँ 50 रुपए में स्टाम्प पेपर पर जमीन की बिक्री हो रही है और ऐसी जानकारी भी है कि वन विभाग इसे अब खाली करवाने जा रहा है। गौला नदी किनारे नदी श्रेणी की जमीन पर मुस्लिम आबादी ने बसावट कर ली है। रेलवे की जमीन पर कथित अवैध कब्जे का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार की नूजल की जमीन बिना रजिस्ट्री के बेची जा रही थी, तभी भनपूलपुरा में हिंसा हुई। मंडी के सामने भनपूलपुरा से लगती हुई जोशी बिहार कॉलोनी में 20 साल पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, अब यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं और इसका नाम भी राजा गेट कॉलोनी हो गया है। आलम यह है कि पिछले 6-7 वर्ष में 60 हिंदू परिवार जोशी बिहार से पलायन कर चुके हैं। इस कॉलोनी में मात्र 3 हिंदू परिवार बचे हैं। इन्होंने भी अपने मकानों का सौदा कर दिया है और अगले महीने मकान छोड़कर चले जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के 150 परिवार स्थानीय निवासी बन गए हैं। इनके पास आधार कार्ड समेत सभी दस्तावेज व जमीन की रजिस्ट्री भी है। अब तो सत्ता भी इनके हाथ में है, मगर भनपूलपुरा में रहने वाले पुराने मुस्लिम लोग भी इस बात से हैरान हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो यहाँ आकर बस रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी बिहार से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी यहां आकर बस रही है और अब्दुल मलिक जैसे भूमाफिया उन्हें सरकारी जमीन पर बसाते हैं। ऐसी भी जानकारी है कि रेलवे बस्ती में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान भी बसे हुए हैं। ये भाषा और पहनावे से पकड़ में आते हैं। इन अवैध कब्जेदारों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे दस्तावेज बनाने का काम भी स्थानीय पार्षद इसलिए करते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक मजबूत होता है। हल्द्वानी हिंसा मामले में इन दिनों पार्टियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है और इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। हल्द्वानी ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी साजिश को अंजाम दे रही है और इससे अछूता उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी नहीं है। खासकर हिमाचल प्रदेश से लगते जनपद देहरादून के विकास नगर हरबतपुर पचुबादून क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अधिक संख्या में है। आलम यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इन्हें जमीन से हटाने की हिम्मत शासन प्रशासन में नहीं है क्योंकि इन लोगों को सफेदपोश नेताओं की पावर प्राप्त है। धामी सरकार ने जांच कार्रवाई की तो हकीकत सामने आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ढाक के 3 पात रही। लेकिन जिस उत्तराखंड में साल 2023 में गठन के समय में मुस्लिम समुदाय की आबादी 1.5% थी, वहां आज ये आंकड़ा 18% के करीब पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि महज 20 सालों में इस समुदाय की आबादी में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई? क्या ये उत्तराखंड के खिलाफ कट्टरपंथियों की साजिश है? क्या गजबाए हिंद के लश्कर की प्रयोगशाला उत्तराखंड को कट्टरपंथी संस्था बनाना चाहती है? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना।